हेलो फ्रेंड्स, आज हम आईओएन एक्सचेंज के क्वार्टर फोर 21 के रिजल्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिविडेंड देख लेते हैं जो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के लिए रिकमेंड किया है। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के लिए ₹10 पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है। कंपनी के शेयर का प्राइस चला है 1700 के अराउंड, तो कंपनी ने अपने शेयर प्राइस पर अराउंड 0.6% पर डिविडेंड रिकमेंड किया है, और यह डिविडेंड के शेयर होल्डर को तभी मिलेगा यदि आने वाली एजीएम में यह डिक्लेयर किया गया। तो चलिए अभी डायरेक्टली रिजल्ट पे चलते हैं। हम कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट डिस्कस करेंगे। देखिए, यह कंपनी के करंट क्वार्टर डेट क्वार्टर 421 के रिजल्ट है। यह कंपनी के पिछले क्वार्टर डेट क्वार्टर 21 के रिजल्ट है। पिछले साल सेम क्वार्टर डेट क्वार्टर 420 के रिजल्ट है। हम इस क्वार्टर के रिजल्ट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर बेसिस पे कंपेयर करेंगे कि इस क्वार्टर के रिजल्ट कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, और जहां पर जो भी वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है इन लाख। तो चलिए सबसे पहले कंपनी की इनकम देखते हैं। इस क्वार्टर की जो टोटल इनकम है कंपनी की वो है 45,894 लाख रुपए। पिछले क्वार्टर की थी 35,557 लाख रुपए। पिछले साल सेम क्वार्टर की थी 36,199 लाख रुपए। तो यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, कंपनी की इनकम अराउंड 10,000 लाख रुपए इंक्रीज हो गई है। एंड ईयर ईयर बेसिस पे देखे तो कंपनी की इनकम अराउंड 9,000 लाख रुपए इंक्रीज हो गई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी एंड ईयर ईयर बेसिस पे भी कंपनी की इनकम अच्छी खासी इंक्रीज हो गई है। तो इनकम वाइज तो कंपनी के काफी अच्छे लग रहे हैं। अभी देख लेते हैं खर्चे। इस क्वार्टर के जो टोटल खर्चे हैं वो है 36,899 लाख रुपए के। पिछले क्वार्टर के थे 31,437 लाख रुपए के। पिछले साल सेम क्वार्टर के थे 32,215 लाख रुपए के। तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है कंपनी का इस क्वार्टर का वो है 9,005 लाख रुपए। पिछले क्वार्टर का था 4,120 लाख रुपए। पिछले साल सेम क्वार्टर का था 3,984 लाख रुपए। एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है जो कंपनी का इस क्वार्टर का वो है 7,048 लाख रुपए। पिछले क्वार्टर का था 2,873 लाख रुपए। पिछले साल सेम क्वार्टर का था 2,886 लाख रुपए। तो यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें, कंपनी का नेट प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो दैट इज 100% से ज्यादा इंक्रीज हो गया है। एंड ईयर ईयर बेसिस पे देखे तो कंपनी का प्रॉफिट बेसिस पे भी डबल से ज्यादा हो गया, दैट इज 100% से ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो कंपनी के रेट इस क्वार्टर के बहुत ही ज्यादा अच्छे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी एंड ईयर बेसिस पे, क्योंकि इनकम भी बढ़ी है एंड प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अभी देख लेते हैं अर्निंग पर शेयर। इस क्वार्टर का जो अर्निंग पर शेयर है, बेसिक अर्निंग पर शेयर, वो है 59.17 रुपए। पिछले क्वार्टर का था 24.57 रुपए। पिछले साल सेम क्वार्टर में था 24.03 रुपए। तो यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, कंपनी का अर्निंग पर शेयर डबल से भी ज्यादा हो गया है एंड ईयर ईयर बेसिस पे भी डबल से भी ज्यादा हो गया है। और रुपीज में देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का अर्निंग पर शेयर अराउंड 45 रुपए पर शेयर इंक्रीज हो गया है एंड ईयर ईयर बेसिस पे भी 45 रुपए पर शेयर इंक्रीज हो गया है। तो कंपनी के रिजल्ट इस क्वार्टर के बहुत अच्छे हैं, और कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के लिए 10 रुपए पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी रिकमेंड किया है। और यदि आप इस शेयर में निवेश करना चाहते हैं और इसके एनालिसिस देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपकी वीडियो में दिख रहा है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, थैंक्स।